अब खबर हल्द्वानी से है, जहां न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बुधवार को हल्द्वानी सब कारागार का निरीक्षण किया। वहीं एसटीएच में लीगल एंड क्लिनिक के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने एफटीआई में हवेला उत्सव पर पौधारोपण भी किया। इस मौके पर उन्होंने जेल में कैदियों के लिए बेकरी में व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बेकरी में बन रहे विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर विस्तृत जानकारी ली। न्यायमूर्ति ने कहा कि बेकरी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद कैदी आपराधिक गतिविधियों को छोड़ आत्मनिर्भर बन सकेंगे। साथ ही उन्होंने यहां पुरुष और महिला बंदियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं कारागार में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इससे पहले माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय का भी इंस्पेक्शन हुआ था यहाँ पर, तो पिछली बार ऐसा कहा गया था कि कैदियों को प्रशिक्षित किया जाए, और इस बार माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति मनोज तिवारी साहब ने निरीक्षण किया, तो कैदियों को बेकरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यहाँ पे पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से अगर वो जब यहाँ से निर्मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अब एक रोजगार का साधन उन्हें उपलब्ध होगा और इससे उनको अपने दैनिक जीवन में बहुत मदद मिलेगी परिवार चलाने में। दिनांक 17/7/2024 को माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज तिवारी जी के कर कमलों से सब जेल हल्द्वानी में एक बेकरी सामान बनाने के संबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहता हूँ कि वस्तुतः जेल यहाँ सजा के रूप में नहीं भेजा जाता है, किसी भी व्यक्ति को जेल इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो अपने अपराध का प्रायश्चित करके समाज में एक सही नागरिक के रूप में बाहर आ सके। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों की और आम जनता की मदद के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। पिछले एक वर्षों में हमारे द्वारा 12 मेडिकल शिविर आयोजन किए गए हैं। इसके अलावा 266 मामलों में बंदियों को निशुल्क एडवोकेट उपलब्ध कराया गया है।